प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। हाल ही में रिलीज हुई रजनीकांत स्टारर फिल्म काला ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। काला को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग मिली। रजनीकांत की फिल्म काला के हिंदी वर्जन ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर निराश किया हो, लेकिन इस फिल्म के बाकी वर्जन ने दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। थर्सडे को रिलीज हुई पीए रंजीत द्वारा डायरेक्टेड काला ने 5 दिनों में 122 करोड़ 15 लाख रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। आपको बता दूं कि फिल्म ने चेन्नई के बॉक्स ऑफिस से 7 करोड़ 23 लाख रुपए का कलेक्शन किया, तमिलनाडु से 47 करोड़ 10 लाख का, आंध्र प्रदेश से 13 करोड़ 10 लाख, ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने कलेक्शन किया है 2 करोड़ 10 लाख का। देखा जाए तो पूरे ओवरसीज में फिल्म ने 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। आपको बता दूं कि रजनीकांत की पिछली फिल्म काबाली ने दुनिया भर में 225 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। रजनीकांत की फिल्म काला दुनिया भर में 19 देशों में रिलीज हुई है। तमिल में काला को इरुम भाई तिराई के नाम से रिलीज किया गया है, जहां बाकी जगह फिल्म को थर्सडे को रिलीज किया गया था। वहीं कर्नाटक में फिल्म को फ्राइडे को रिलीज किया गया, क्योंकि रजनीकांत के कावेरी मुद्दे पर दिए गए बयान के कारण कर्नाटक में सिनेमा घर मालिक फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। काला एक तमिल फिल्म है जिसे तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया गया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है रजनीकांत के दामाद धनुष ने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।